हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम के साथ ही इस लेक्चर की। तो प्रॉब्लम हम लिखते हैं एक डिफ्यूजन की प्रॉब्लम। हाँ, तो प्रॉब्लम है आपका, लिखिए सारे लोग प्रॉब्लम लिखिए। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गिवन एलिमेंट टू दैट ऑफ हीलियम इज 1:4। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गिवन एलिमेंट टू दैट ऑफ हीलियम इज 1:4। द मॉलिकुलर, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर ऑफ दैट एलिमेंट एंड आर ऑफ हीलियम इज 1/4, दिस इज गिवन। ओके, व्हाट वी नो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन होता क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या होता है? रूट ऑफ डेंसिटी और रूट ऑफ मॉलिकुलर मास होता है। इसके और इसके हेल्प से अगर लिखना चाहें रेट ऑफ दैट एलिमेंट ई बाय रेट ऑफ हीलियम, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? ये आर ई यहाँ है तो अंडर रूट ऑफ एम ई नीचे आना चाहिए। सो अंडर रूट ऑफ एम ई नीचे आ गया एंड हीलियम यहाँ पे चला जाएगा। सो मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम और मोलार मास ऑफ हीलियम, सॉरी हीलियम, राइट, हीलियम ही। हाँ, ओके। अब क्या है, पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द मोलार मास ऑफ दैट एलिमेंट पूछ रहा है। ये तो वो पूछ रहा है, यानी कि ये वैल्यू वो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू इज गिवन एज 1:4। ओके, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम हीलियम बाय मोलार मास ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 1/16। सो मोलार मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर गया, सो 16 into मोलार मास ऑफ हीलियम, राइट। सो क्या हो जाएगा? व्हाट इज मोलार मास ऑफ हीलियम? क्या होता है? 4 होता है। सो 16 into 4, 64 ग्राम, 64 ग्राम। हाँ, तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम इसी का है। ए गैस डिफ्यूजेस 1/5 times एज फास्ट एज हाइड्रोजन, 1/5 times एज फास्ट एज हाइड्रोजन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस। ओके, सो बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट पार्टिकुलर गैस, लेट अस राइट, रेट ऑफ दैट गैस इज 1/5 times ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। ओके, सो क्या हो सकता है? रेट ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1/5। हाइड्रोजन उठा के यहाँ पे ले आया, तो यही बात यहाँ पे कर सकते हैं। दिस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गैस। ओके, सो दिस इज अगेन इक्वल टू मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ दैट पार्टिकुलर गैस इज इक्वल टू 1/25। सो मोलार मास ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 into 2, दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम, 50 ग्राम। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अब अपने आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और आज बात करते हैं रियल गैस की। किसकी? रियल गैसेस की बात करेंगे। आइडियल गैस के बारे में बहुत पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा सा रियल सिनेरियो को देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या जो आइडियल जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो हाइपोथेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, वो हम रियल के कितने नजदीक है, वो जो चीजें पढ़ रहे हैं वो काम की चीजें हैं भी या नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रियल गैसेस। सो रियल गैस, अच्छा, अगर आपको याद हो कुछ एजम्पशंस,
याद है कुछ assumptions थे कब, जब आपने आइडियल गैस की बात करी थी, तो एक आइडियल गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस, एन आइडियल गैस तब जब हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, मॉलिक्यूल किसी भी आइडियल गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो होना चाहिए। फिर क्या हमने बोला था कि इंटर एटॉमिक रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये क्या थी, हाइपोथेटिकल थी। अभी आप देखो जो जितने भी गैसेस हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं गैसेस, उनमें क्या है आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो भाई अब हम ऐसा चीज एज्यूम कर लिए हैं, ऐसा चीज होता ही नहीं है तो हमारे रियल लाइफ में क्या यूज। तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उस जो इंफॉर्मेशन जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको मॉडिफाई करके यूज करना करना पड़ेगा अपने रियल लाइफ। ओके सो जो दो चीजें थी क्या क्या थी, पहला था आइडियल वालों ने माना था नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसकी बातें करी थी, यानी कि ये जो बात थी ये बात गलत हो गई, करेक्ट, ये बात गलत हो गई। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैसीय मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन पाए जाते हैं, वो आइडियल गैस में हमने ऐसा माना था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात क्या थी कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो, इसकी बात करी थी हमने आइडियल गैस में। पर एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या, नहीं होता है भाई, नहीं होता है। हाँ अगर मॉलिक्यूल किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो हो जाए तो समझ लीजिए ना क्या होने वाला है, आपके अंदर जीरो वॉल्यूम का ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा होगा। जीरो वॉल्यूम का मतलब क्या, कुछ है ही नहीं। समथिंग यू शुड नो कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जीरो ये तो हो ही नहीं सकता है, करेक्ट। तो रियल गैस की बात कर रहे हैं तो ये जो दो चीजें हमने मानी थी ये गलत है, ये जो मानना था वो गलत मानना था। तो अगर इसको हमें क्या है बात, इस चीज को देखना पड़ेगा, इन सारे इनको करेक्शन को करना पड़ेगा, इस पार्टिकुलर चीज में करेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं भैया जो आपने माना था आइडियल गैस में ऐसी चीजें नहीं होती है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, इनका वॉल्यूम किसी मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इसीलिए हम बात करते हैं रियल गैस की। अब बड़ी समस्या है कि रियल गैस को कैसे पढ़ा जाए, क्या हमारे पास कोई इक्वेशन है जिससे रियल गैस के बारे में बताएं, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आइडियल गैस थे उसी के इक्वेशन को किसी न किसी तरीके से कुछ ट्विकिंग करके उस इक्वेशन को यूज करने का प्रयास करें, ठीक है। जो PV is equal to nRT नाम की चिड़िया थी उसी का किसी न किसी तरीके से यूज किया जाएगा, ओके। अब देखिए नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात थी, इसको गलत कैसे साबित, कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी तो गलत साबित किया होगा। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, गैस क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विफाई तभी होंगे ना जब दो गैसेस मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, और नजदीक तब आएंगे जब दोनों के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब अट्रैक्शन होगा तो नजदीक आएंगे और जब एक साथ आ जाएंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें समझ में आई थी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जीरो, मान लीजिए आपने गैस को लिक्विफाई कर लिया तो इतनी सारी लिक्विड मिली जिसकी कुछ वॉल्यूम थी, तो भैया वॉल्यूम थोड़े अपने आप आ गया, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही तो दिख रहा है नीचे वाटर के रूप में, करेक्ट। तो वॉल्यूम जो होता है ये सारी चीजें गलत हो रही थी, इसको ठीक किया गया, ओके। अब क्या है हमारे पास गंभीर समस्या है कि हमने रियल गैस की बातें तो कर ली कि हाँ रियल गैस नाम की कोई चीज होती है, अब इसे पढ़ा कैसे जाए, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बड़ी दिक्कत है ये भी। तो इन्होंने बोला कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर आइडियल गैस, प्लीज दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये आइडियल गैस के लिए ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते, ओके। अगर हम कुछ चेंज करें प्रेशर और वॉल्यूम में, रियल गैस के प्रेशर रियल गैस के वॉल्यूम अगर कुछ चेंज करें तो इसका यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रेशर क्या था, ये वॉल्यूम क्या था।
आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि ये प्रेशर जब आपने पी की बात करी थी आइडियल केस में तो एग्जैक्टली क्या सोचा था, वी की बात करी थी तो क्या सोचा था, इसको समझना पड़ेगा। लेट अस गो बैक टू अवर लेक्चर 1 और 2। वहां पर प्रेशर की जब हमने बात करी थी तो क्या बोला था कि मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलाइड करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलाइड करता है, वॉल पे जाता है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर का वॉल है ना, तो मॉलिक्यूल क्या गया यहाँ पे कोलिजन करने गया था, और क्या कोलिजन करने के बाद ऐसे चला गया, तो ये जो कोलिजन किया इसी कोलिजन के कारण प्रेशर पी आता है। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे और भी तो गैसेस मॉलिक्यूल बैठे हैं, आइडियल गैस था तो इसको इनसे कुछ लेना देना नहीं था, तो ये बंदा आया कोलिजन करके चला गया, फिर प्रेशर पी आ गया। ठीक है, दिस इज द आइडियल गैस का प्रेशर। जब आप बात कर रहे हो रियल गैस की तो रियल गैस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब हम बात कर रहे हैं वांडरवाल गैस की, वांडरवाल ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स को कंसीडर किया। सो इसको करेक्शन करके क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कंसीडर किया गया। कौन किया, वांडरवाल ने। सो इन्होंने बोला, वांडरवाल ने क्या बोला, सॉरी वांडरवाल ने क्या बोला कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये मॉलिक्यूल जा रहा था कोलिजन करने के लिए, कोलिजन करने से पहले इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, पीछे वाले मॉलिक्यूल ने पकड़ के खींच लिया उसको, अट्रैक्शन का मतलब नजदीक खींचेगी। तो ये बंदा यहां पे जा रहा था, पर इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। सिंपल सी बात है, आप जा रहे हो दीवार में टकराने के लिए और आपके दोस्त ने आपको खींच लिया, तो जितनी तेजी से टकराना था क्या उतनी तेजी से टकरा गया, नहीं करेक्ट। जो कोलिजन होना था जितनी तेजी से उतना जो अमाउंट जो है वो उतना उतनी तेजी से क्या कोलिजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। करेक्ट, कोलिजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जा रहा था टकराने के लिए, ये कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के कारण ही तो कम हुआ है ना। अरे भाई अट्रैक्शन था, ये मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन था तभी तो ये यहां जा रहा था, पर ये पीछे से थोड़ा सा खींच लिया, तो जितने तेजी से टकराना चाहिए तो उतने तेजी से नहीं टकराएगा। अब हल थोड़ा सा कम उसका है मैग्नीट्यूड होगा टकराने का। ठीक है, जिस अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल गैस की, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, हम रियल सिनेरियो पढ़ रहे हैं, हाँ जी अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण कोलिजन क्या होगा, थोड़ा सा कम जोर से लगेगा। अब रियल गैस की बात कर रहे हैं तो क्या जो चीज है, जो हम मान लीजिए वो जो कोलिजन लगा, दैट इज पी डैश, रियल की बात करें पी डैश, क्या इस पी डैश का यूज कर सकते हैं हम यहां पे, जी नहीं आप नहीं कर सकते हो। पी इज तब जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ना हो, पर जब आप पी डैश को यहां पे रखना चाहोगे तो बोलेगा नहीं भैया आपने अट्रैक्शन को रख रखा है, अट्रैक्शन के कारण वैल्यू कम हो गई है, आई एम रियली सॉरी आप इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। तो बोलोगे कि क्या करें बड़ी दिक्कत है, तो बोलोगे आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि रियल केस बन जाए, रियल केस आइडियल बन जाए, जो आपका रियल केस है पी डैश है वो आइडियल की तरफ बिहेव करने लगे। ओके, आइडियल की तरफ बिहेव करने लगे, तो क्या हो रहा है, ये आइडियल था, ये रियल था, ये पी डैश की जो वैल्यू है आइडियल से थोड़ी सी कम है, पी डैश की जो वैल्यू है आइडियल से थोड़ी सी कम है। अगर हम किसी तरीके से कुछ ऐड कर दें और उसको बराबर कर दें पी आइडियल की तरह, अगर इस पी डैश में कुछ ऐड कर दें, कुछ ऐड कर दें, कितना ऐड कर रहे, जितना इसकी इससे कम है, करेक्ट, सो पी डैश में सम वैल्यू ऐड कर दें, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, लेट अस पी सी और लेट अस राइट एक्स, सम वैल्यू एक्स ऐड कर दें ताकि ये पी आइडियल की तरह दिखे, तो क्या हम इसको अब यहां रख सकते हैं, हाँ अब आप रख सकते हैं। क्या किया हमने, हमने क्या किया, पी आइडियल की तरह शो करना शुरू किया है, ये पी आइडियल है, ये पी रियल है,
ठीक है पी रियल है वो थोड़ा सा कम है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल का कोलिजन उतने तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या बोला कि इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमने इसमें कुछ ऐड करना पसंद किया, कुछ ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू इस पी के बराबर हो जाएगी, और जब इस पी के बराबर हो जाएगी यानी पी आइडियल के बराबर हो गई है, और जब पी आइडियल के बराबर हो गई है तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर ही सकते हैं। तो इसको बोलते हैं करेक्शन टर्म, इसको बोलते हैं करेक्शन टर्म, इसको बोलेंगे सिंस ये प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं वॉल्यूम की, करेक्ट, ये तो प्रेशर की बात हो गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, ये होता है क्या, ये भी नहीं, जैसे ये नहीं होता है वैसे ये भी नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ और यू कैन से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल Have, molecules have finite volume. अब मॉलिक्यूल के पास भी तो कुछ वॉल्यूम होंगे भैया, वो भी गोबर गणेश है नहीं, उनके पास भी कुछ वॉल्यूम है। तो क्या अगर मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम है तो इस वी का यूज कर सकते हैं, वी को वहां डाल सकते हैं क्या, समझिए आपको याद करना पड़ेगा जो सबसे अंत वाला जो पॉइंट था आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस की बात जब हमने करी थी, वॉट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर एनी मॉलिक्यूल टू मूव फ्री, करेक्ट, यानी कि अगर ये कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो अवेलेबल फ्री स्पेस है, अवेलेबल फ्री स्पेस है वो किसी मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली घूमने के लिए, अब यहां जो वर्ड आ रहा है टू मूव फ्रीली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर फ्रीली का मतलब क्या है, जैसे समझ लीजिए आपको अकेले दौड़ा दिया मैं एक, करेक्ट, और आपको बोला भैया आप अपने दोस्त को ले आइए और दोनों हाथ पकड़ के दौड़ लीजिए, बताइए कौन सा दौड़ना इज फ्री, आप आराम से किसमें दौड़ पाओगे, अकेले दौड़ पाओगे आराम से, करेक्ट, जब तक आप अपने दोस्त का हाथ पकड़े हो सकता है कि आप दोनों का स्पीड हो मिसमैच हो जाए, करेक्ट, तो आप तेज दौड़े वो स्लो दौड़ा, वो तेज दौड़ा आप स्लो दौड़े, तो क्या है आप फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे। यही मॉलिक्यूल के साथ होता है, जब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे के टच में रहता है, टच में रहता है, जस्ट टचिंग ईच अदर, तब तक वो फ्री मूव नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा बस टचिंग है, जस्ट वो टच करना बंद कर दे वो फ्री दौड़ना शुरू कर देगा। तो जो मैंने बोला कि फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल काफी एक दूसरे से दूर है, टचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, टचिंग नहीं कर रहा है, उसके बाद जो अवेलेबल स्पेस है उसको आप वॉल्यूम बोलते हो। ये किसकी बात करी थी हमने, आइडियल गैस के वॉल्यूम की बात करी थी। फिर हमने बोला था ये मॉलिक्यूल इनका वॉल्यूम जीरो होता है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाता है। रियल गैस में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, जी नहीं, रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के पास भी अपने वॉल्यूम है, यानी कि कुछ न कुछ ऐसा वॉल्यूम है जहां पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा, करेक्ट, कुछ न कुछ, जैसे आप क्या थे, मिस में बैठे हुए हो, और अगर आइडियल गैस की बात करें तो आपके लिए दुनिया में मिस में कोई नहीं बैठा हुआ है, या जो भी बैठा हुआ है सबकी वॉल्यूम जीरो है, तो आप कहीं भी दौड़ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट वाज आइडियल गैस। अब आप रियल गैस की बात करते हो, आप बैठे हुए हो, सब बैठे हुए हैं, सबकी वॉल्यूम है, सिंपल जैसे मेस, डिफरेंट सीट्स, बैठने के बहुत सारी जगह, ठीक है, आप बैठे हो, आइडियल गैस की बात करें, इवन दो यहां पे सारे बच्चे बैठे पड़े हैं पर ये माना जाएगा कि उनकी वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम जीरो है मतलब वहां कोई है ही नहीं, तो आइडियल गैस के लिए सब जगह तो बैठने के लिए ही हो गए, करेक्ट, सारी जो जगह है सो बैठने के लिए हो गए, तो आइडियल गैस के लिए अवेलेबल स्पेस, करेक्ट। अब बात कर रहे हैं किसकी, रियल की, रियल में अगर मान लीजिए बैठे बच्चे बैठे हैं तो रियल बोलेगा भैया मेरे लिए अवेलेबल स्पेस तो एक दो तीन चार ही है, हम कैसे मान लें कि उसकी वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम जीरो होती नहीं है, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई,
ठीक है। सो अगर आपको किसी तरीके से आइडियल वॉल्यूम लाना है, आइडियल वॉल्यूम लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको आइडियल वॉल्यूम लाना है तो रियल वॉल्यूम में कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कुछ घटा दीजिए, इसमें से कुछ घटा दीजिए तो अवेलेबल स्पेस मिलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बड़ा सा क्या लाया, पिस्टन लाया, सारे गैस को दबा दिया तो सारे गैस यहाँ पे हो गए। मान लीजिए ऐसे, मान ऐसा होगा नहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए सारे गैस को आपने दबा दिया तो सारे गैस क्या हो गए, इतनी जगह एक्यूमुलेट हो गए। ये जो स्पेस बचा दैट इज द अवेलेबल स्पेस, दिस इज द अवेलेबल स्पेस एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट दिस इज द अवेलेबल स्पेस एंड दैट्स व्हाई यू कैन यूज दिस एज आइडियल वॉल्यूम। आइडियल ने बोला था कि अवेलेबल फ्री स्पेस फॉर एनी मॉलिक्यूल, तो हमें किसी तरीके से अवेलेबल फ्री स्पेस निकाल लेना है और उसका यूज कर लेना है। ये स्पेस कैसे निकालेंगे, इस पूरे कंटेनर में से इस वॉल्यूम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हटा देंगे तो हमको ये वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी कि अगर कंटेनर के वॉल्यूम में से किसी तरीके से हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को घटा देंगे तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा वो आइडियल की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और इसको आप उठा के PV = यानी V के जगह पे रख सकते हैं और फिर हम इसको इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये वाई आएगा, दैट इज योर वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है। वाई जो आएगा वो वॉल्यूम करेक्शन टर्म आएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, हमने क्या माना था, अवेलेबल फ्री स्पेस फॉर मॉलिक्यूल, करेक्ट, अवेलेबल फ्री स्पेस फॉर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली। तो अवेलेबल स्पेस कैसे पता चलेगा, तो हमने रियल गैस के सारे मॉलिक्यूल को दबा दिया और दबा दिया तो सब यहां एक्यूमुलेट हो गए और बाकी का जो खाली बचा दैट इज द फ्री स्पेस, यानी कि ये वॉल्यूम ही तो आइडियल वॉल्यूम है, अवेलेबल स्पेस है। तो अगर हम कंटेनर के वॉल्यूम से इसको घटा दें, जो भरा हुआ जगह घटा दें तो खाली जगह बचेगा और उसी खाली जगह को हम बोलते हैं आइडियल वॉल्यूम। तो हमको किसी तरीके से ये निकल जाएगा। अब अपने पास प्रॉब्लम क्या क्या है, वी कंटेनर तो पता चल जाएगा, वी कंटेनर तो आराम से आप लंबाई चौड़ाई मोटाई नाप के कंटेनर के वॉल्यूम बता बता सकते हो। वाई बताना इज डिफिकल्ट, उस मॉलिक्यूल का ऐसा वॉल्यूम जहां पे मॉलिक्यूल का फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा है उस वॉल्यूम को बताना इज डिफिकल्ट। सिमिलरली यहां पे इस एक्स को बताना इज डिफिकल्ट, यानी कि करेक्शन, दिस प्रेशर करेक्शन टर्म बताना एंड दिस इज वाई वॉल्यूम करेक्शन टर्म बताना डिफिकल्ट, जो कि हम आगे अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है, कैसे पता करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों को उठा के आइडियल गैस में रखा तो कैसा दिखेगा, P प्लस एक्स वी माइनस वाई इज इक्वल टू RT और NRT, N की बात कर रहे हैं, N नंबर फोन। सो ये जो आपका आएगा ये आपको रियल गैस इक्वेशन होगा, ये रियल गैस इक्वेशन है, इसमें रियल गैस के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्सिस प्रेशर करेक्शन टर्म, वाई इज क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम करेक्शन टर्म। बहुत लोगों को भूल, जैसे ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा तो बहुत लोग भूल जाते हैं सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे याद रखें, इसे भी हम देखते हैं कि याद रखेंगे कौन कौन से पॉसिबल तरीके, ठीक। चलिए इसको यहीं पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म की बात करेंगे, आगे हम लोग प्रेशर करेक्शन टर्म की बात करेंगे। प्रेशर करेक्शन टर्म है वो क्या है, वही कोलिजन की बात करनी पड़ेगी फिर से हम लोगों को कि कोलिजन कैसे हो रहा है, हाँ कोलिजन कैसे हो रहा है और कोलिजन के कारण क्या हो रहा है। सो लेट अस अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ प्रेशर प्रेशर करेक्शन, करेक्ट। ये कोई कंटेनर का वॉल है, मॉलिक्यूल हैं टकरा रहे हैं, करेक्ट। सो मॉलिक्यूल का है टकरा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि ये जो यहां जा रहे हैं ये यहां पे टकराने जा रहे हैं, कोलिजन करने जा रहे हैं। सो एक एक टकराया,
मान लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, करेक्शन टर्म की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूल की संख्या नहीं गिनते हैं जनरली, हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हमेशा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, या आप नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। ये एक अच्छा तरीके, जैसे डेंसिटी की बात करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, उसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। इससे ज्यादा स्पेसिफिक होता है चीजें। ओके, अब देखिए जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा इस बच्चे को प्रॉब्लम आएगा, और उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, करेक्ट, उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स यानी उतना ज्यादा करेक्शन टर्म का वैल्यू। सो क्या बोल सकते हैं, करेक्शन टर्म एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी। दिस एन वाई वी इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड दैट। ओके, सो एन वाई वी का मतलब, मतलब से एन वाई वी क्यों लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं लिखे, ये क्या है, एक्स को बेटर तरीका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताने का। चलिए, तो क्या है कि जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स आसपास में या ज्यादा आपके एटम्स दिखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा दिखेगा, तो क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी, करेक्ट। दिस इज करेक्शन टर्म, दिस इज एक्स इज द प्रेशर करेक्शन टर्म, सो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा आपको जोड़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद और क्या है, जरूरी थोड़ी कि एक ही मॉलिक्यूल टकरा रहा होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, करेक्ट, बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे। सो फिर से है, ये टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, सबके लिए करेक्शन टर्म आपको देखना पड़ेगा, एक के लिए नहीं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा करेक्शन टर्म। ये जो है किसके लिए है, अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल के लिए ये लिखा, दूसरे मॉलिक्यूल ये लिखा, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स की, फिर से जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उतने ज्यादा टकराएंगे, और उतना ज्यादा आपको करेक्शन टर्म फिर से ऐड करना पड़ेगा। हम इस मॉलिक्यूल की बात कर, टकराने वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल की संख्या भी तो बहुत है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल की संख्या टकराने वाले की जितनी ज्यादा उतने ज्यादा करेक्शन टर्म। सो अगेन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी, करेक्ट, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी, करेक्ट। सो इन दोनों को मिला के लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों को साथ में लिखिए, सो एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, करेक्शन, ये प्रोपोर्शनलिटी है, हटाएंगे, सो एक्स इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए, ए इज क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, एंड ए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकुलर गैसेस मॉलिक्यूल। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो व्हाट इज एक्स, एक्स आपका समझ में आ गया है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अगर हमको याद है, सो क्या था, पी प्लस एक्स की बात कर रहे थे क्या, देन दिस इज इक्वल टू पी आइडियल, सो क्या होगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज पी आइडियल। अब इसको, इस टर्म को उठा के पी वी इक्वल टू एन आर टी में रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये जो ए आया है, ए की बात करते हैं, ए क्या है, ये बताता है, ये डिपेंड्स ऑन नेचर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। ए की वैल्यूज आती है, ए की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, ए की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, अगर वैल्यू ऑफ A is high, that implies attractive force. Force is high. A की वैल्यू जितनी ज्यादा, A की वैल्यू जितनी ज्यादा, एट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा, एट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा,
यहां से देखते हैं। देखिए ना, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो आइडियल गैस बन जाता। हल्का सा अट्रैक्ट किया तो आइडियल से थोड़ा सा दूर गया, ज्यादा अट्रैक्ट किया तो ज्यादा दूर गया। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा आइडियल बिहेवियर से दूर जाना, यानी कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा आइडियल से दूर जाना। जितना ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब वैल्यू ऑफ ए जितना ज्यादा उतना ज्यादा आइडियल से दूर जाना। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आइडियल बिहेवियर से दूर है या रियल गैस ज्यादा अच्छा शो करता है? सर्च फॉर द ऑप्शन जिसके पास ए की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। करेक्ट, यानी कि क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए हाई, अगर ए हाई है दैट इंप्लाइज रियल बिहेवियर। ठीक है, रियल बिहेवियर। ए की वैल्यू बहुत कम तो क्या होगा, वो आपका आइडियल बिहेवियर। ओके, अब ये बोलिए कि ऐसे कौन कौन से गैस हैं जिसके ए की वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे गैसेस जैसे अमोनिया, अमोनिया आपको पता है NH3 है, वो क्या है, वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। उसके पास लोन पेयर भी होता है, वो पोलार भी होता है, और दोस्त केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ रखे हो, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं तो ऑपरेटिव प्रॉपर्टीज में भी आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई होगी कि क्या है, फोर्सेस होते हैं, सिंस वो पोलार है तो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें क्या है, जब वो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उस मॉलिक्यूल में, ए की वैल्यू ज्यादा होगी। हीलियम की बात कीजिए तो हीलियम में ऐसा कुछ नहीं है, हीलियम में ऐसा कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा नहीं, जिसके कारण क्या है, हीलियम की ए की वैल्यू कम होगी। तो हीलियम क्या करेगा, आइडियल बिहेवियर ज्यादा शो करेगा कंपेयर टू अमोनिया गैस। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आते रहेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो आइडियल बिहेवियर कम शो करता है या आइडियल बिहेवियर से दूर है। तो आपको ए की वैल्यूज गिवन होंगी, हाई ए की वैल्यू उतना ज्यादा वो आइडियल गैस से दूर चला जाएगा, उतना नजदीक वो रियल गैस की चला जाएगा। लो ए की वैल्यू उतना नजदीक वो आइडियल गैस की तरफ आएगा या उतना ही ज्यादा दूर वो रियल गैस से चला जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप रखेंगे। सो प्रेशर करेक्शन टर्म हमने कर लिया है, इसको यहाँ पे नोट बना के लिख लेते हैं। पी आइडियल अभी अभी हमने निकाला है, क्या पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलिए इसको हटाया जाए और अब हम लोग करने वाले हैं क्या, वॉल्यूम करेक्शन। मैं जस्ट सेक ऑफ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, इवन तो ये आपसे क्या है, आपसे कभी भी डेरिवेशन पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, डेरिवेशन कभी भी आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि ये कैसे आ गया, आपसे जस्ट उसके वैल्यूज पूछे जाते हैं। तो जस्ट टॉक अबाउट वॉल्यूम करेक्शन, मैं आपको सीधा यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा बता दूंगा। ओके, सीधा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक आर का है इसका, जब दो नजदीक है ना, जब एक दूसरे को टचिंग होते हैं तो क्या है, ये उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते। ये टच है तो जब तक ये टच है, मैंने क्या बोला, जब तक एक दूसरे को हाथ पकड़े रहोगे आप सही से दौड़ नहीं पाओगे। तो जब तक ये टच है ये इस पूरे वॉल्यूम में मूवमेंट सही नहीं कर सकते। जैसे ये थोड़े से दूर गए, हाँ अब ये मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पर जब तक टचिंग है तब तक इस पूरे वॉल्यूम में इसका मूवमेंट अच्छा नहीं होगा, फ्री मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि अगर आपको घटाना है तो इस पूरे वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वॉल्यूम है जहां पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्री नहीं है। इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कीजिए और इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कीजिए, इस वॉल्यूम को हटा लीजिए। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को हटाने के बाद आपको जो वॉल्यूम मिलेगा दैट इज द करेक्ट वॉल्यूम, दैट इज द आइडियल वॉल्यूम। सो वी इज इक्वल टू क्या था आपका, वी आइडियल क्या हो जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस सम करेक्शन टर्म। सो वी माइनस एन बी,
ये एन बी क्या है, दिस इज नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, बी क्या है, बी है एक मोल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम जहां पे उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, सो बी क्या है, बी रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, सो आप अगर किसी कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊंगा कि बी एग्जैक्टली कैसे आता है, बी की कुछ वैल्यूज आती है वो कैसे आ गई बी, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको चाहिए समझना है तो, अदरवाइज ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी आपसे ये पूछेगा नहीं कि भैया बताओ बी कैसे लिख दिया है, पर अगर आपको समझना है तो आप पर्सनली पूछिए, मैं आराम से बताऊंगा आपको। पर व्हाट इज बी, बी इज द रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम, रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, ये रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है, पर मैंने दो के लिए बोला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है दैट इज डिनोटेड बाय बी, ऐसे ऐसे हमारे पास एन मोल्स हो सकते हैं, तो हमने वी माइनस एन बी, तो ये कर दिया। मान लीजिए ये कोई कंटेनर था, इसमें ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में से आपने क्या किया है, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हटा दिया है, अब जो वॉल्यूम बचा है दैट इज द अवेलेबल फ्री स्पेस, तो वही स्पेस आपका क्या हो गया है, वी आइडियल हो गया है। सो हमें क्या पता चला, वी आइडियल इज इक्वल टू वी कंटेनर माइनस एन बी। व्हाट वी हैव, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। रियल सिनेरियो पुट करेंगे क्या हो जाएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर इन टू क्या होगा, वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी, एंड दिस इज कॉल्ड वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस। ये क्या है, वंडरवॉल इक्वेशन, वंडरवॉल्स इक्वेशन। ओके, सो ये पार्टिकुलर इक्वेशन है, याद रखिएगा वंडरवॉल इक्वेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स को ही माना था, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में ही हमने बातें करी थी, इसीलिए p प्लस ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इनटू वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। सर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है कि सर कभी मैं ये भूल जाता हूं कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, या कभी ये भूल जाते हैं ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है। ओके, सो याद रखिए प्रेशर में क्या हुआ था, अट्रैक्टिव फोर्स लगा था, तो मॉलिक्यूल्स को क्या हुआ था, क्या है, मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम हो गया था, ये धक्का लगाने गया था पर कम हो गया तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हमने कुछ ऐड कर दिया। वॉल्यूम में क्या है, अवेलेबल स्पेस की बात करी थी, सिंस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है इसलिए उस वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, इसलिए उसी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, छोटे मोटे ट्रिक्स हैं आप समझने के तरीके हैं, तो उस तरीके से आप याद कर सकते, अदरवाइज प्रैक्टिस कीजिए याद हो जाएगी, कोई इसमें कोई महान चीज ये नहीं, ठीक। तो व्हाट इज दिस, इज द रियल गैस इक्वेशन, और व्हाट इज बी, बी की बात हम कर रहे थे ना, तो बी क्या है, बी आपको रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है, बी किस पे डिपेंड करता है, बी भी डिपेंड करता है गैसेस पे, प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बी क्या है, बी इज द कलेक्टिव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी बी का साइज पे डिपेंड करता है, बी आप बोलो बी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास O2 है और हाइड्रोजन है, किसकी बी वैल्यू ज्यादा होगी, O2 की बी वैल्यू ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की बी वैल्यू कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन दोनों में से कौन सा है जो ज्यादा बी है, ज्यादा दूर जाएगा आइडियल के, तो सिंपल सी बात है, जिसकी बी वैल्यू, सिंपल सी बात देख लो ना, जिसकी बी वैल्यू ज्यादा, करेक्ट, जिसकी बी वैल्यू ज्यादा वो क्या है, दिस वैल्यू उसकी कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये आपका है
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, आपने सबको दबा दिया है सारे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जिसकी ये वॉल्यूम ज्यादा आएगी वो क्या होगा, कंटेनर के वॉल्यूम से उतना कम होगा, वो रियल के उतना नजदीक चला जाएगा। ये वॉल्यूम जितना कम होगा, जितना कम होता चला जाएगा, जितना कंटेनर के बराबर होता चलेगा, वो आइडियल के बराबर चला जाएगा, ठीक है। तो जितनी बी वैल्यू कम मतलब आइडियल के नजदीक, बी वॉल्यूम ज्यादा मतलब कि रियल के नजदीक, ठीक है। सो इस तरीके से प्रश्न हमेशा यही आएगा, गिवन दैट बी वैल्यू फॉर गैसेस आर दिस वन, बताइए इनमें से कौन सा रियल गैस ज्यादा अच्छा है, इनमें से कौन सा आइडियल गैस के ज्यादा नजदीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बी वैल्यू हाई रियल गैस, बी वैल्यू वेरी कम बहुत कम आइडियल गैस, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बातें हो गई, हमने अभी अभी क्या है रियल गैस के बारे में भी एक इक्वेशन निकाल दिया है आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने एक ये निकाल दिया है। अब क्या है ना कि हमें आइडियल गैस के बारे में पता चला, हमें रियल गैस के बारे में पता चला, अब क्या है दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि क्या ये आइडियल गैस जो हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ करता था, इससे जो हमारा रियल गैस है कितना दूर है, कितना नजदीक है, ठीक है। तो इनको जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने के लिए एक फैक्टर यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसको यूज करते हैं, उसको भी चलिए समझते हैं आज। इनको जल्दी से अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। So, बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की। ठीक, क्या होता है, इज़ेड इज इक्वल टू मोलार वॉल्यूम वी एम रियल बाय वी एम आइडियल, ठीक है। Vm मोलार वॉल्यूम यानी एक मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है। सो Vm को आप एक मोल गैस के वॉल्यूम के बारे में बोलते हो। सो मोलार वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डिनोटेड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज एट, सिंपल रेशियो, ठीक है। अब क्या है, अब इसको समझिए कि अगर रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा हो गई आइडियल गैस से, इज एट की वैल्यू 1 से ज्यादा अगर बराबर हो गई तो इज की वैल्यू 1, अगर कम हो गई तो इज की वैल्यू 1 से कम, सिंपल मैथमेटिक्स। समझिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, 3 कंटेनर लिया, क्या आपको याद है ये किस प्रकार का सिस्टम है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, याद होना चाहिए हाँ, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। 3 ऐसे ऐसे हम 3 बनाते हैं, ठीक है। सो 3 कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम मैंने अभी अभी बना लिए हैं, और फिर क्या करते हैं, तीनों में एक एक मोल गैस डाल दिया। सो एक मोल यहां डाल दिया, एक मोल यहां डाल दिया, एक मोल यहां डाल दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। अब क्या है, प्रेशर की बात ही कर लेते हैं, ऊपर से लग रहा है PATM, देन Mg है, Mg by A is again pressure, PATM plus Mg by A, this is the constant pressure system, आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, PATM एटमॉस्फेयर प्रेशर को बदल नहीं सकते, यहाँ पे मास M है, और जब तक मास M कांस्टेंट है, ऊपर से इसका प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि तीनों का तीनों क्या है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है, ठीक है।
ये बातें समझ में आ गई। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, तीनों में प्रेशर कांस्टेंट, तीनों में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, तीनों में टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बात करते हैं, एक मोल डाला आइडियल गैस, तो इसमें डाला मैंने आइडियल गैस, इसमें आइडियल गैस डाला है। आइडियल गैस डाला है तो क्या होगा, आइडियल गैस डाला है तो आइडियल गैस एक मोल आइडियल गैस की जो वॉल्यूम निकलेगी, इसको आप वीएम बोल सकते हो आइडियल। सिंपल सी बात है, आइडियल गैस की जो वॉल्यूम निकली इसको वीएम आइडियल बोल दिया, इसमें तो कोई लफड़ा है नहीं। यहां बात करते हैं, लफड़ा तो यहां शुरू होगा, यहां पर हमने डाला है रियल गैस और यहां पे हो रहा है अट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं हो क्या रहा होगा। ये मॉलिक्यूल गया था इस बच्चे को धक्का मारने के लिए, पता है ना प्रेशर क्यों यहां पे, ये क्यों खड़ा रहेगा, ये बंदा यहां पे क्यों खड़ा रहेगा, क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो फोर्स बैलेंस हो गया है, इसलिए यहां पे खड़ा है, यहां पे रुका हुआ है। सेम चीज यहां पे क्या है, रुका हुआ तभी रहेगा जब फोर्स बैलेंस होगा ऊपर और नीचे से। आइडियल गैस है तो ये गया था टक्कर मारने के लिए, वापस आ गया, गया था टक्कर मारने के लिए वापस आ गया। जब ये बंदा, जब अट्रैक्टिव फोर्स वाला मॉलिक्यूल गया था टक्कर मारने के लिए इसको यहां पे, तो क्या हुआ, पीछे वाले ने खींच लिया इसको नीचे, पीछे वाले ने इस मॉलिक्यूल को जो टक्कर मारने के लिए, कोलिजन करने के लिए जा रहा था ढक्कन के साथ, उसको खींच लिया। तो क्या है, ये आपका कोई ढक्कन है, मॉलिक्यूल गया था टक्कर मारने के लिए, इतने तेजी से आइडियल गैस मार रहा है, उतने ही तेजी से आपका रियल गैस का एक मॉलिक्यूल जा रहा था यहाँ पे टक्कर मारने के लिए, पीछे वाले ने खींच लिया, तो कोलिजन क्या होगा, थोड़ा सा कम तेजी से होगा। नहीं, पहले ये आइडियल गैस की बात है, पर जो गया था रियल गैस का जो नीचे अट्रैक्टिव फोर्स वाला था, दूसरे मॉलिक्यूल ने उसको खींच लिया अपनी तरफ, तो क्या जो जितने तेजी से कोलिजन आइडियल गैस मार रहा था, अब वो क्या करेगा, उतने तेजी से आपका रियल गैस नहीं मारेगा, थोड़ा सा कम मारेगा, तो नीचे से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। नीचे से प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या है, ऊपर से ढक्कन थोड़ा सा नीचे आएगा, तो ढक्कन क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। कहां तक आ जाएगा, जहां पर आके क्या हो जाए, फिर से फोर्स बैलेंस हो जाए। तो संवेग मान लीजिए यहां पे आ गया है, नीचे आ गया है, तो क्या दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम है ये आपका रियल गैस का वॉल्यूम है। अगर यहां से फोटो में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, दिस वॉल्यूम, लेट अस राइट वी एम रियल, दिस वॉल्यूम इज less than Vm ideal, दिख रहा है ना, this real volume is less than this ideal volume, आ रहा है समझ में। तो अगर आप Z की बात करो, Z क्या होता है, V real by V ideal होता है, इस केस में दोनों बराबर है तो 1 आ गया। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इजर की बात करते हैं, वे भी रियल बाय भी आइडियल की बात करते हैं, रियल की वैल्यू आइडियल से छोटी है, दैट्स व्हाई इजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। ओके, अब इसकी बात करते हैं, सेम है मॉलिक्यूल, यहां पे रियल मॉलिक्यूल डाला है बट यहां पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल जा रहा था धक्का मारने के लिए, कोलिजन करने के लिए, पीछे जो नीचे का जो मॉलिक्यूल था उसने एक लात और मारा उसको कि जा भाई और जोर से धक्का लगा, तो ये मॉलिक्यूल तो जा ही रहा था कोलिजन करने के लिए, इसने और धक्का मारा इसको, तो कोलिजन क्या होगा और तेजी से होगा। आइडियल गैस का ऐसा ऐसा हो रहा था, इस वाले रियल गैस का ऐसा ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है, यानी कि ढक्कन क्या होगा, शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो ढक्कन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो मान लीजिए समवेयर यहां पे आके क्या हो गया है, बैलेंस हुआ है, तो ये वॉल्यूम, नाउ दिस वॉल्यूम, दिस इज योर रियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। सो अगर बात करते हैं इजर्ड की, तो क्या होगा, वी रियल बाय वी आइडियल, और यहाँ पे वी रियल यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा है, सो इजर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इजर्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इजर्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी को अगर आपको दिखाना हो, इसी को अगर आपको ग्राफ पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे,
इजर्ड वर्सेस पी, प्रेशर की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, वन, इजर्ड की वैल्यू वन, ये क्या है आइडियल केस, आइडियल केस, ठीक है। और यहां पे हम डिफरेंट गैसेस की बात करेंगे, आइडियल, दिस इज द आइडियल गैस, ये तो कोई शो नहीं करता, पर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आइडियल के काफी नजदीक हैं वो काफी कम डेविएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है आपका, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये क्या है, ये आपके हाइड्रोजन हीलियम है, ठीक है, ये क्या करते हैं आइडियल से काफी नजदीक होते हैं, इनका मॉलिक्यूल का, इनका जो एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है, तो आइडियल के काफी नजदीक होते हैं। पर जैसे जैसे आप बात करें किसकी, दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या है, ये डेविएट करता है, वो क्या करता है आपका नेगेटिव, जब वन से नीचे नेगेटिव डेविएशन, वन से ऊपर पॉजिटिव डेविएशन, सो नेगेटिव डेविएशन भी शो करता है। देन मान लीजिए ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर, लेट अस टेक अमोनिया, अमोनिया, सो ये क्या है, ये अमोनिया है, ओके, सो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हो इसकी कुछ समय पहले इसकी वैल्यू क्या थी, वन से कम थी, पर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता गया इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होती चली गई। तो अभी अभी आपको मैं बताऊंगा, आगे इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर पे जो हमारा वंडरवाल गैस था उसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ कैसे उसका रिलेशन है, हाँ, तो उसकी बातें हम करते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम उसके दो कंडीशन है उसकी बातें करेंगे। तो अब बात करना चाहते हैं, हमारा जो वंडरवाल इक्वेशन था वो हाई प्रेशर पे कैसा दिखेगा, वो लो प्रेशर पे कैसा दिखेगा, इनकी बातें हम अभी कर लेते हैं। एट हाई प्रेशर सबसे पहले तो वंडरवाल इक्वेशन लिखे, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इन टू वी माइनस NB is equal to nRT, high pressure, high pressure, high pressure का मतलब क्या है ना, high pressure का मतलब वो तो क्या है, कुछ convenient number होना चाहिए, so generally आप 50 to 100 ले लेते हो high, 100 pascal को आप किलो पास्कल या 50, sorry not किलो पास्कल, 50 to 100 bar को आप high pressure लेते हो, इससे भी ज्यादा होता है 10,000, इससे भी बहुत pressure तो बहुत ज्यादा high होते हैं, पर हम क्या करें यहां पे हाई प्रेशर इस 5200 बार की बात करते हैं, ओके। अब हाई प्रेशर का मतलब समझिए, हाई प्रेशर का क्या मतलब है, आपको पता है ना, प्रेशर हाई तो वॉल्यूम कम, यानी कि मॉलिक्यूल नजदीक आए हुए हैं, करेक्ट, मॉलिक्यूल जब दूर रहते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, जब नजदीक आ गए तो क्या है अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो क्या रिपल्सिव फोर्स भी होगा, तो क्या होगा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, करेक्ट, मॉलिक्यूल दूर थे, करेक्ट, अट्रैक्टिव फोर्स, इसीलिए ये टर्म आया था, करेक्ट, नजदीक आ गए, इनका अट्रैक्टिव फोर्स तो हो ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिपल्सिव फोर्स भी हो रहा है, सो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ रिपल्सन, नेट फोर्स तो जीरो ही हो गया ना, तो जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो इस टर्म का क्या काम, कोई काम नहीं है, इसीलिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और क्या होता है, पीवी माइनस पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक नहीं भैया, ओके, देन व्हाट इज, डिवाइड बाय एनआरटी, क्या हो जाएगा पीवी बाय एनआरटी, ओके, माइनस क्या हो जाएगा पीएनबी बाय एनआरटी, that is equal to 1, what is this, again this is compressibility factor, आपको पता है, Z is equal to क्या होता है, PV by NRT होता है,
और क्या होता है v real by v ideal होता है अगर मोलार वॉल्यूम की बात करो तो, ठीक है। ओके सो यहाँ पे व्हाट इज दिस pv by nRT z वैल्यू हो गया, दिस इज z, z इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आइए, सो 1 माइनस क्या होगा n n कैंसिल, pv by क्या हो जाएगा rt, pv by rt है। तो अगर आप देखो तो क्या हो जा रहा है, z इज इक्वल टू 1 माइनस pv by rt, ये कौन सा केस है, ये तब होता है जब हाई प्रेशर होता है, हैं? जब ये हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है तो कुछ ऐसा आपको दिखता है, ठीक है। ओके सो क्या है 1 प्लस, आई थिंक इट शुड बी प्लस ना सर, ये माइनस वाला है, माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस, सो दिस इज प्लस, सॉरी रियली सॉरी दिस इज प्लस, सो z इज इक्वल टू 1 प्लस pv by rt। तो अगर आपने कर्व देखा भी था, याद होगा आपको कर्व देखा भी था, तो एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या होता है, वैल्यू सिंपल सी, r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, b हमेशा पॉजिटिव, और p प्रेशर है वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो या तो ये वैल्यू जीरो या तो वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या है z की वैल्यू हाई प्रेशर पे क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो आपने देखा भी था जब हाई एंड जाते हैं तो सब कर्व ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, सब 1 के ऊपर दिखता है। ओके सो ये हमारे एक तरीके से बताता भी है क्योंकि चीजें जो है ग्राफ हमने देखी थी वो सही थी, ठीक है, जो ग्राफ देखी थी ना आपने, ये ऐसे था या ऐसे था, सो ये हाई प्रेशर में ही कहा है, ये कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, ये देखी थी। ओके अब हाई प्रेशर की बात की, दूसरा है लो प्रेशर, लो प्रेशर में जो हमारे क्वेश्चन है कैसा हो, लो प्रेशर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल काफी दूर चले गए, मॉलिक्यूल काफी दूर चले गए, काफी दूर दूर है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, मान लीजिए शुरू में एक दो ही मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, दूर कितने भी चल जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, पर इतने दूर चले गए हैं कि ये वॉल्यूम है इसको नेगलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे इतनी बड़ी थाली में एक दाना अगर चावल का हो तो क्या ही करोगे आप, हाँ नेगलेक्ट कर दो बेचारे को। तो जब आप लो प्रेशर की बात करते हो, मॉलिक्यूल्स काफी दूर चले जाते हैं, बताया ना प्रेशर हाई वॉल्यूम कम, प्रेशर लेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई, तो ये जो वॉल्यूम है इसको आप आराम से नेगलेक्ट कर सकते हो, जब इसको नेगलेक्ट कर सकते हो तो लिखिए फिर से पी एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस जीरो, सो वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो क्या हो जाएगा बताइए, फिर से पी वी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, डिवाइड कीजिए एनआरटी से, क्या हो जाएगा पीवी बाई एनआरटी प्लस, क्या हो जाएगा एनआरटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन बाई आर टी वी इज इक्वल टू 1। सो ये तो इजेड हो गया, पीवी बाई आरटी क्या होता है, पीवी बाई आरटी तो जेड होता है, इजेड इक्वल टू क्या 1 माइनस ए एन और एन ए एन ए बाई क्या हो जाएगा वी आर टी। तो क्या है, आप सिंपल सी बात है देख लो ना, जब इजेड पे हाई लो प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, लो प्रेशर की बात कर रहे होते हैं तो क्या है इजेड से नीचे वैल्यू आती है, इजेड से नीचे वैल्यू आती है, यानी कि या तो वैल्यू क्या है जीरो होगी नहीं तो 1 से कम होगी, या तो वैल्यू जीरो होगी नहीं तो 1 से कम होगी, दैट्स व्हाई कुछ ग्राफ जो है नीचे उसको आपको दिख रहा है। तो ये भी हमें ग्राफ ने दिखा दिया, सिखा दिया, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको कि हाई प्रेशर पे क्या है, लो प्रेशर पे क्या है। फिर बात आती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, क्रिटिकल प्रेशर की, यहाँ पे उसके फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं। सो वो फॉर्मूले क्या है ना, वो फॉर्मूले आप एक तरह से याद करो, ठीक है, टीसी पीसी एंड वीसी की, मैं एक्चुअली क्रिटिकल की बात भी मैंने कही थी, याद है मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करी थी सबसे शुरुआत में, क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होता है क्रिटिकल प्रेशर, हाँ। सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां
एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आके ही गैस लिक्विफाई की जा सकती है और उसको आप बोलते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके नीचे या उस टेम्परेचर पे ही अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो गैस लिक्विफाई की जा सकती है, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसको क्या है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जाइए तभी जाके गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। ऐसा आप तरीके समझ लो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के आने के बाद ही ऐसा समझा जाता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट है काफी स्लो हो चुका है और उसको प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक दूसरे के नजदीक वो बैठ सकता है, रह सकता है। ठीक है, उसके नीचे जाइए टेम्परेचर तो और आसानी हो जाएगी। पर उसके ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, आपको जितना मर्जी हो प्रेशर अप्लाई कर लो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव समथिंग कॉल्ड टीसी, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। देन व्हाट इज पीसी? क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने में जो प्रेशर लगता है, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं उसको। एंड व्हाट इज वीसी? वीसी वीसी इज इन दोनों के करने के बाद, इन दोनों के फलस्वरूप जो वॉल्यूम आता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। सो इसकी जो वैल्यूज यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस वॉल्यूम को आप समझ लीजिए, देख लीजिए, इसको अपने नोटबुक में इसको अच्छे से रख लीजिए। आपको इसका यूज होगा, नहीं भी हो सकता है, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है, पर हाँ बीइंग सेफ साइड इसको आप याद रखिए। चांसेस है कि रियल गैस में इसका यूज आपको बहुत कम है कि इसको पूछा जाए, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। सिंपल बॉयल्स टेम्परेचर है, इसकी भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बॉयल्स टेम्परेचर है, इसको भी याद रख लीजिए। तो क्या है कि बेसिक चीजें हैं, मैं आपको फिर से बता दूं रियल गैस में प्रॉब्लम्स कहाँ से बनते हैं। रियल गैस में प्रॉब्लम्स बनते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर से। आपसे पूछा जाएगा कि गैसेस क्या है, लिक्विफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा है, तो रियल गैस के नजदीक है या दूर है, इनमें से कौन सा गैस है जो लिक्विफाई आसानी से हो जाएगा, गिवन दैट ए की वैल्यू इज 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दैट, 4 की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 4 वैल्यू सबसे ज्यादा, तो रियल गैस के काफी नजदीक, यानी कि वो काफी आसानी से लिक्विफाई हो सकता है। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि सर हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो लो प्रेशर आखिर कोई ऐसा टेम्परेचर या प्रेशर है जिस पे आइडियल गैस के तरह रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह शो करे, ठीक है, मतलब आप देख भी सकते हो ना। लेट अस इसी के लो प्रेशर की बात करें, तो लो प्रेशर पे क्या हो जा रहा है, लो प्रेशर पे क्या हो जा रहा है, जेड इज इक्वल टू 1 - NA/VRT आ रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर दें, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई हो गया, तो ये वॉल्यूम, ये जो पार्टिकुलर टर्म है वो जीरो के नजदीक चला जाएगा, जीरो के नजदीक चला जाएगा, इसका मतलब Z की वैल्यू 1 आ गई, एंड Z की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, आइडियल गैस। तो जो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन क्या होता है, वो होता है आइडियल गैस के नजदीक जाने का कंडीशन। सो रियल गैस हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे कैसा शो करेंगे बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर शो करना पसंद करें। ठीक है, तो ये सारी चीज थी आपके गैस स्टेट की। ठीक है, हो सकता है तो आपको अगले लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊं।